आज उन्होंने खुद अपनी आगा जूस की मुख्तलिफ ब्रांचेस खोली हुई। आइसक्रीम इसलिए जो है ना, लोग आके बहुत शौक से खाते हैं। शुरू में हर काम जो है ना, या छोटा या बड़ा, मुश्किल होते हैं। इसमें जो एक कोल्ड कॉफी वाला जो टच दिया गया है, इसके बाद इसका फ्लेवर मजीद निखर के आया है। समझ लें जैसे मुझे लाहौर का रबड़ी दूध याद आ गया। नाजरा अकब में मेरे देख सकते हैं कि आज मैं एक जूसेस की शॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई जूस पी के आपको उसका रिव्यू दूंगी। बेसिकली यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे जिसकी ये शॉप है, आपने आगा जूस के बारे में तो बहुत सुना होगा। कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर आगा जूस की ब्रांचेज मौजूद हैं और काफ़ी मशहूर है आगा जूस। लेकिन इससे एक अटैच कहानी है, आगा जूस से मुंसलिक एक कहानी है एक इंसान की। इस शॉप का जो ओनर है, उसने अपने 15 से 20 साल एक आगा जूस की शॉप में काम किया। जो मेकिंग होती है जूसेस की, सर्विंग होती है, वो किया करते थे। और कई साल अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने के बाद उन्होंने ये स्टेप लिया कि आज उन्होंने ख़ुद अपनी आगा जूस की मुख्तलिफ ब्रांचेस खोली हुई हैं, जिसमें से एक ब्रांच में मैं आज मौजूद हूँ। और आगा जूस से भी बढ़कर जो है वो यूनिक जो रेसिपीज़ हैं, यूनिक जो फ्लेवर्स हैं, इन्होंने जूस में इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके बाद आगा जूस भी अब पीछे रह चुका है। ये होती है असल में मेहनत इंसान की, दिल से काम करने वाले की जो मेहनत होती है वो साफ साफ वाजे नज़र आ जाती है। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं कि वो कौन से स्पेशल जूसेस हैं। तो भाई ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या ही रंग बिरंगी जो है वो डिफरेंट तरह के जो शेक्स हैं मेरे सामने मौजूद हैं। और ये आगा जूस आपने काफ़ी ब्रांचेस देखे होंगे और इनका एक नाम बना हुआ है, और नाम इनका ऐसे नहीं बना हुआ। ये तीन जूस इनके अभी जो है वो नए लॉन्च हुए हैं, और इसमें कुछ इन्होंने स्पेशल एडिशन किया है, जिसके बाद इनकी डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। आप ये देख सकते हैं, ये है बादाम का मिल्क शेक। और इसका क्या इसमें ख़ासियत है ये भी आपको टेस्ट करके बताऊंगी। ये स्पेशल ओरियो शेक है, जो कि इसमें इन्होंने कुछ अपने कुछ स्पेशलिटीज में ऐड करी। तो थर्ड यहाँ पर ये आ जाता है फालूदा। ये इसमें मल्टी चीज़ें ऐड की हुई हैं फालूदे को थोड़ा सा स्पेशल बनाने के लिए, यूनिक बनाने के लिए। चलिए अब इनको टेस्ट करके आपको रिव्यू देते हैं। ये बिल्कुल समझ लें जैसे मुझे लाहौर का रबड़ी दूध याद आ गया। ये पी के कसम से, लाहौर का रबड़ी दूध जो है बड़ा फेमस है कराची में, उसके मुकाबले का मैंने कभी नहीं पिया। ये उसने मुझे लाहौर की याद ताज़ा करा दी कि ये रबड़ी दूध का है। इसमें थोड़े से वो जो उन्होंने सेवैयाँ डाली हुई होती हैं वो इसमें अगर ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और बहुत यूनिक इनका जो इसमें टेस्ट है, बहुत ही आला क्वालिटी का बना हुआ है। बहुत कॉफ़ी होती है इसमें, उसका एक हल्का सा टच दिया गया है। क्योंकि पहले मैंने जब इसका ये चॉकलेट ओरियो शेक ट्राई किया था नाजमाबाद अली ब्रांच का, तो उसमें ये टच नहीं था। पर इसमें जो एक कोल्ड कॉफ़ी वाला जो टच दिया गया है, इसके बाद इसका फ्लेवर मज़ीद निखर के आया है। और बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा है। आप लोग आए ट्राई करेंगे, लाहौर का रबड़ी दूध है और ये वाला शेक बहुत अच्छा है। और बहुत सारे इनके पास और भी आइटम्स हैं,
जो तकरीबन सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप लोग ट्राई करें, उनके एक ब्रांड है यहाँ पे। जो भी ब्रांचेज हैं आप चाहते हैं तो इस सारे ब्रांच पर विज़िट कर सकते हैं, बाकी ब्रांच पर भी जा सकते हैं और लाजमी इसको ट्राई करें। मेरे साथ आगा जूस के जो ओनर हैं मोहम्मद यूसुफ भाई मौजूद हैं, और इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी मोटिवेशनल सी कहानी है। ये पहले आगा जूस पर काम करते थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना खुद का एक सेटअप पूरा खोल रखा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत काफ़ी अच्छा सेटअप है। और क्वालिटी तो मैंने आपको बता ही दी है कि उनके जाहिर सी बात है, जो काम दिल से किया जाता है वो नज़र भी आता है, सिर्फ मुँह ज़बानी नहीं होता, उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और मैंने जब इनके जो जूसेज हैं वो ट्राई करे तो वो वाकई बहुत अच्छे थे। तो यूसुफ भाई बताइएगा कि कितने साल आपने आगा जूस में जो है वो काम किया? अच्छा, सबसे पहले सलाम अलैकुम, आपका जो फ्रेंड है चैनल का उनको भी सलाम पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया। और मेरा जो है ना इस फील्ड में तकरीबन 14-15 साल हो गया, और तकरीबन 2017 से मैं ख़ुद अपना बिजनेस करना कर रहा हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट वग़ैरह सब लोगों को साफ़ सुथरा। सबसे पहले ये है कि जब मैंने आगा जूस में जॉब इसलिए चॉइस किया कि सफाई था, तो इसलिए मुझे पसंद आया कि यही काम सीखना है मुझे। तो फिर जो है ना मैंने 13 साल जो है ना काम किया, उसके बाद जो है ना अपना बिजनेस शुरू कर दिया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सही से काम चल रहे हैं। कितनी मुश्किलात आई वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करने में, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कोई भी काम शुरू करना ज़ीरो से, तो कौन कौन से ऐसे मसले मसाइल का सामना आपको करना पड़ा इस सफ़र में? मसाइल ये है कि शुरू में हर काम जो है ना या छोटा या बड़ा मुश्किल होते हैं। तो मैं ख़ुद जब काम करता था तकरीबन 24 घंटे में मैं 16 घंटे ड्यूटी दे रहा था, तो उसके बाद अभी भी मैं अपनी काम पे भी कम से कम 12 घंटे ड्यूटी देता हूँ। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईमानदारी से काम किया और अल्लाह ताला ने हमको आगे बढ़ाया, शुक्र है माशाल्लाह ठीक ठाक से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम चल रहा है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 और कमरान चुरंगी के कमरान चुरंगी से पहले अगर सफूरा वाले साइड से आ जाए तो हम कमरान चुरंगी और अल जदीद सुपर मार्केट है उसके दरमियान में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 03032700050 ये नंबर है। और इंशाल्लाह जो है ना यहाँ पे बैठने के लिए फैमिली के लिए बहुत अच्छा जगह है और सुकून पुरसकून माहौल है, और जितने भी फैमिली यहाँ पे आते हैं तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से जूस पी के और ख़ुशी से जाते हैं, ट्रैफिक वगैरह ये प्रॉब्लम इतना नहीं है। मुझे जो आपने ये 3 जूस बना के दिए थे कि यहाँ की स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी तो जानते हैं सब आगा वाले का जो है ना आइसक्रीम भी जितनी फ्लेवर है तो ये सारे स्पेशल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हमारा जो आइसक्रीम बन रहे हैं मिल्क पैक्रीम आपके सामने रखा हुआ है, तो ऐसे अलका चीज़ से नहीं बन रहे हैं, फ्रेश दूध और मिल्क पैक्रीम हम यूज़ करते हैं आइसक्रीम, इसलिए जो है ना लोग आके बहुत शौक से खाते हैं। और आइसक्रीम हमारा आइसक्रीम और फालूदा ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जो है ना बहुत मशहूर है आगा वाले को। जी भाई, आप लोग भी लाजमी यहाँ पर विज़िट करें। क्वालिटी और मयार की जहाँ तक बात की जाए इस शॉप के हवाले से, तो वो बहुत ज़्यादा आला मयार की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। आप लोग भी लाजमी विज़िट करें और दुआ करें उन सब लोगों के लिए जो एक तवील मुद्दत के बाद मेहनत करने के बाद अपना कोई काम शुरू करते हैं और फिर उसमें तरक्की करते हैं। तो आप लोग भी किसी भी वजह से दिल छोटा मत कीजिए, हिम्मत नहीं हारी, अगर किसी भी काम में आपने हाथ डाला है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, जितना हो सके जितने आपके अंदर हिम्मत है
अल्लाह आपका साथ देने वाला है, एक ना एक दिन आप भी जो है वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।